पिछले वीडियोस में हम कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे थे। एक फार्मूला हमें मिल गया था विच इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब अगर मान लो कि ये फार्मूला हमें प्लेन सरफेस के लिए इसकी बात करनी हो, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, इसके इस तरफ अलग मीडियम है म्यू वन और इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है म्यू टू, और इन दोनों को सेपरेट करने वाली सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मगर प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस की खास बात क्या होगी कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर दें तो ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी, है ना। दिस अपॉन इनफाइनाइट विल बी ज़ीरो और हमें एक फार्मूला मिल जाएगा म्यू टू अपॉन वी, इस टर्म को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, इक्वल्स टू म्यू वन बाई यू। ये फार्मूला, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर प्लेन सरफेस फॉर फास्ट कैलकुलेशंस, जहाँ भी हम प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखें तो उसके लिए फार्मूला यूज़ कर लें। और इनके मतलब अभी भी आप ध्यान रखें, म्यू वन जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, म्यू टू जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज हैं, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस से और वी है इमेज डिस्टेंस सरफेस से। साइन कन्वेंशन वैसे ही यूज़ करते रहें, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, रिफ्रैक्टेड सॉरी उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लें और यू और वी की विद साइन वैल्यूज़ इसमें पुट करें। अब जैसे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए डेंसर मीडियम एंड observed from a rarer medium। मान लो कि हमारे पास कोई एक डेंसर मीडियम है, जैसे कि वाटर है, कोई झील है, उसमें वाटर भरा हुआ है। तो डेंसर मीडियम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू डी नाम दे देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। इस तरफ हमारा रेयरर मीडियम है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं कह देता हूँ म्यू आर। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, और इसकी सरफेस से जो डेप्थ है, ये डेप्थ ये मान लेते हैं कि एच है, एच डेप्थ, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर इसको इस मीडियम से देख रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये इसको ऑब्जेक्ट कहाँ नज़र आएगा, मीन्स इसकी इमेज हमें कहाँ नज़र आएगी। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा रे डायग्राम समझें तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज इस सरफेस पर गिरेंगी और रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेंगी और इसकी आँख में पहुँचेंगी। जो रे नॉर्मल के अलोंग आएगी वो विदाउट डेविएशन सीधा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। थोड़ा इस तरफ अगर एक लाइट रे मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, और क्योंकि रेयरर में एंटर कर रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको यूँ जाना था मगर थोड़ा दूर हटने के कारण ये यूँ बैंड हो जाएगी। और इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ से कहीं से आती हुई हमें अपीयर होगी, जहाँ से लाइट रेज आती हुई अपीयर होंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। सो दिस इज़ द इमेज आई। इस इमेज की सरफेस से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं फाइंड करना चाहता हूँ एच डैश, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करूँ तो म्यू टू वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज हैं, सो इट विल बी म्यू आर। सो म्यू आर अपॉन वी, वी हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू म्यू वन। म्यू वन मतलब जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज हैं इस डेंसर मीडियम में, तो म्यू डी
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यह है ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस हम कह सकते हैं एच, बट आप देख रहे हैं लाइट के चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव है अपवर्ड, और एच को हमें मेज़र करना पड़ रहा है इसके अपोजिट सरफेस से नीचे की तरफ आकर, तो इसको हम माइनस एच कहेंगे, माइनस एच, ठीक है ना। और वी को लिखा जा सकता है इमेज डिस्टेंस, तो माइनस एच डैश क्योंकि नीचे की तरफ है, सो इट विल बी माइनस एच डैश। यहाँ से अगर हम एच डैश को कैलकुलेट करें तो एच डैश इक्वल्स टू, एच डैश हमें मिल जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू एच, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रेशियो है इसको एक खास तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दें, म्यू डी अपॉन म्यू आर, इसको क्या कहा जा सकता है, म्यू डी अपॉन म्यू आर, दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर, और इसको एक नया नाम दे देते हैं म्यू। जैसे अगर हम यहाँ बात करें एक झील हो और ये हवा हो, तो हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है एयर का, और इसमें वाटर है तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है ना। तो जो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वही हमारा पास यहाँ पर म्यू हो जाएगा, है ना। तो इस म्यू को यहाँ पर अगर मैं लिखूँ म्यू डी अपॉन म्यू आर की जगह, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एच डैश इक्वल्स टू एच बाई म्यू, एच डैश इक्वल्स टू एच बाई म्यू। क्या बातें याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जब हम रेयरर से किसी डेंसर मीडियम में रखी हुई चीज़ को देखते हैं, है ना, किसी भी डेंसर मीडियम में कोई रखी हुई चीज़ है जैसे पानी में रखी हुई है, तो वो चीज़ हमें हमारे क्लोज आकर नज़र आती है, यानी कि उसकी जो अपीयर्ड हाइट है, अपीयर्ड डेप्थ है, वो कम हो जाती है। आप देख रहे हैं म्यू इज़ ग्रेटर देन 1, सो एच डैश विल बी लेस देन एच, एच डैश जो होगा वो एच से कम होगा। इसको आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब हम पानी में रखी हुई किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे किसी बर्तन के पैंदे को देखते हैं, है ना, हवा से, तो पैंदा हमें थोड़ा सा हमारे क्लोज आकर नज़र आता है, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अच्छा, एक कम होकर हमें मिली है, ये बात तो समझ में आ गई कि डेंसर में जब ऑब्जेक्ट रखा है, मगर ये बात है सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए कि एच डैश इज़ लेस देन एच, ये सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमने बात की है। अगर इसी चीज़ को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस करें तो क्या सीन होगा, उसको थोड़ा समझें। मान लीजिए ये हमारा वही डेंसर मीडियम है जैसे कि पानी, तो इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मैं कह देता हूँ म्यू डी, है ना। इस तरफ कोई रेयरर मीडियम है म्यू आर, और ऑब्जेक्ट अभी भी डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट अभी भी डेंसर मीडियम में है, मगर इस बार वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ पर इंसिडेंट लाइट रेज मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं और इस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, ऐसे इंसिडेंट हो रही हैं जैसे कि इन लाइट रेज को इस पॉइंट पर मिलना है, तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट लाइट रेज मिलती हुई अपीयर हो रही हैं ऑब्जेक्ट है, पर क्योंकि ऑब्जेक्ट अपीयर हो रही हैं इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेप्थ को हम मान लेते हैं एच, पर जैसे ही ये लाइट रेज डेंसर मीडियम में एंटर करेंगी, तो क्योंकि डेंसर में आएंगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी, इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बैंड हो जाएंगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाने की वजह से इस तरफ यूं मुड़ जाएंगी, इस तरह से मुड़ने के बाद ये जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी जो कि रियल होगी, रियल इमेज क्योंकि सच में मिलेंगी। तो जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं एच डैश। तो इस केस में एच डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा फाइंड करें हम, ठीक है। अगेन मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इस बार मैं बात कर रहा हूँ फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला अगर यूज़ करें, म्यू टू अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू, तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू टू जिसमें रिफ्रेक्टेड रेज होती हैं,
तो यहाँ पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा म्यू डी अपॉन वी। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम कह सकते हैं एच डैश, ये लाइट के चलने की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम, तो प्लस का एच डैश लिख सकते हैं, इक्वल्स टू म्यू वन। म्यू वन मतलब जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, तो म्यू आर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें लिखनी होगी, तो इसको भी हम प्लस का एच लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से अगर मैं एच डैश को कैलकुलेट करूँ तो एच डैश विल बी म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू एच, बट दिस म्यू डी अपॉन म्यू आर इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयर, जिसको हमने नाम दिया हुआ है म्यू। तो इसको अगर म्यू लिख दूँ मैं तो एच डैश इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू एच, और म्यू क्योंकि ग्रेटर देन वन है तो इस केस में एच डैश विल बी ग्रेटर देन एच। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ? देखो हमने रिजल्ट निकाले हैं एच बाई म्यू एंड म्यू इंटू एच, ये कब है रिजल्ट, किस केस में है? जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ठीक है, तो फिर वो हमें किस डिस्टेंस पर अपीयर होगा उसको हमने एच डैश कहा है, पर कभी एच बाई म्यू होगा और कभी ये म्यू एच होगा, तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो तुम तुम्हारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जानते हो कि जब तुम पानी के अंदर देखते हो तो डिस्टेंस कम हो जाती है, पर ये कब होता है? जब रियल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल का जो पैंदा होता है, बॉटम होता है, वो हमारे थोड़ा क्लोज आकर हमें नज़र आता है, तो हम एक बात समझते हैं कि डिस्टेंस कम हो जाती है। डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कम करने के लिए किसी भी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? डिवाइड करोगे ना, तो इस फॉर्मूले से याद रख लो कि h जो है वो कम होकर h बाई म्यू हो जाएगा, पर कब हो जाएगा? जब रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो फिर डिस्टेंस जो है वो कम होने की जगह बढ़ जाएगी। ये देखिए बढ़ गई डिस्टेंस, तो फिर म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब बढ़ाना हो तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दें, जब घटाना हो तो म्यू से डिवाइड कर दें। पर कैसे पता चले कि घटेगा कि बढ़ेगा? अगर रियल ऑब्जेक्ट है किसी डेंसर मीडियम में रखा हुआ तो घट जाएगा, वर्चुअल है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर की जगह किसी रेयर मीडियम में हो, तब क्या होगा, है ना? अब हम बात करें इफ इफ ऑब्जेक्ट इज placed in a rarer medium and observed from a denser medium। ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं। जैसे फिर से मैं एक डेंसर मीडियम मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कोई झील है इस तरह से, इसमें पानी है, इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू डी कह देते हैं, इस तरफ हवा है, एयर है, इसको म्यू आर कह देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो इससे एच हाइट पर रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी जो हाइट है सरफेस से वो है एच। ठीक है, इसको कोई ऑब्जर्वर डेंसर से देखता है, जैसे कि झील के अंदर मछली होती है, वो मछली हवा में रखी हुई किसी चीज़ को देखती है पानी के अंदर से, है ना? तो उसको ये चीज़ क्लोज होकर नज़र आएगी या दूर जाकर नज़र आएगी, इसको कैसे समझेंगे? थोड़ा सा रे डायग्राम बना के समझते हैं। ऑब्जेक्ट से एक रे मैं अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट करता हूँ, जो विदाउट डेविएशन सीधी इस तरह से पास हो जाएगी। एक रे में इस तरफ यहाँ कहीं गिरा देता हूँ, जो कि डेंसर में जाने के कारण नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और नॉर्मल की तरफ जब झुक जाएगी तो ये रेज पीछे बढ़ाने पर यहाँ से कहीं से आती हुई अपीयर होंगी इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पर मिल जाएगी, दिस इज इमेज। सरफेस से इमेज की जो डिस्टेंस है एच डैश, आप देख सकते हैं कि वो हमें बढ़कर मिली है। ठीक है ना, फिर अगर हम रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएं तो वो होता है म्यू टू बाई वी
इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू। म्यू टू क्या है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज हैं, तो म्यू डी हो जाएगा। वी वी मतलब इमेज डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का एच डैश। म्यू वन मतलब जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, तो म्यू आर आ जाएगा। एंड यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एच माइनस का। तो ऐसे में अगर हम एच डैश को कैलकुलेट करें, तो एच डैश इज म्यू डी अपॉन म्यू आर इन टू एच, बट म्यू डी अपॉन म्यू आर इज म्यू, तो एच डैश इक्वल्स टू म्यू एच। तो आप देख रहे हैं कि इस बार भी म्यू से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को बढ़कर दिखाई देना है, तो फिर हमें म्यू से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तभी तो एच डैश इज ग्रेटर देन एच। बट क्या होता अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर ये होता है ना, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये रेरर में रखा होता और डेंसर से देखा जाता, तो फिर इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने पहले प्रूफ किया। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ कि इस बार इसकी जो डिस्टेंस होगी एच डैश, दैट विल बी लेस देन एच, और जब भी लेस हो तो हमें एच को डिवाइड कर देना चाहिए म्यू से, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर कुछ केस हो गए जिनको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी सारी सिचुएशंस हो गई तो कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं जब ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं, तो कैसे हम याद रखें, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करें। तो भाई सबसे पहली बात, हम हमारा वाला केस याद रख सकते हैं। हमारा वाला केस मतलब जब हम पानी में रखी हुई किसी चीज़ को देखते हैं, पानी में रखी हुई किसी चीज़ को, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एच इसकी डेप्थ है, तो यह हमें थोड़ा सा क्लोज होकर नज़र आता है, आता है कि नहीं। तो ऐसे में इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो हम याद रख सकते हैं कि एच डैश इक्वल्स टू एच बाई म्यू, है ना। और अगर शिफ्ट हम फाइंड करना चाहें, व्हाट इज़ शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होकर हमें नज़र आ रहा है, कितना डिस्प्लेस होकर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ आ गया है, मीन्स एच माइनस एच डैश, तो एच माइनस एच डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच माइनस एच माई म्यू, एच कॉमन आ जाएगा और ब्रेकेट में रह जाएगा वन माइनस वन अपॉन म्यू, दिस इज शिफ्ट, है ना। हमारे वाला केस में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में है कि जब हम पानी में रखी हुई किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे क्लोज आ जाती है मतलब कम हो जाएगी डिस्टेंस, तो म्यू से डिवाइड कर दें। पर ये भी याद रखें कि व्हाट इज़ म्यू, म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेरर। अब यही अगर रियल ऑब्जेक्ट की जगह वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, तो ये तो था रियल ऑब्जेक्ट, पर अगर यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे वाले केस में हम क्या कहते कि भाई रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो हाइट या डेप्थ जो है कम हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बढ़ जाती, तो एच डैश इक्वल्स टू म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू एच हो गया। और शिफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट मतलब बढ़ी हुई एच डैश यानी कि म्यू एच और माइनस ओरिजिनल डिस्टेंस एच, तो आ जाएगा हमारे पास एच इंटू म्यू माइनस वन, ये शिफ्ट हो गया। तो इसको हम याद रखेंगे हमारे वाले केस से, और जैसे रियल से वर्चुअल होता है तो मामला उल्टा हो जाएगा, यहाँ चीज़ें भी घट गई थी, यहाँ चीज़ें बढ़ गई हैं। और जब हमारे वाले केस की जगह मछली वाला केस होगा, मछली वाला केस का मतलब है जब डेंसर से कोई रेयरर में देखेगा, है ना, जैसे फिश देखती है, तो जब हमने देखा था तो डिस्टेंस कम हो गई थी, फिश देखती होगी डेंसर से रेयरर में तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो एच डैश इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, और शिफ्ट हो जाएगा बढ़ी हुई ये डिस्टेंस माइनस ओरिजिनल डिस्टेंस, सो म्यू एच माइनस एच, तो एच कॉमन और ब्रैकेट में म्यू माइनस वन। पर इसमें भी, ये फिश वाले केस में भी, अगर रियल ऑब्जेक्ट की जगह होता वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो फिर उल्टा हो जाता, यानी कि एच डैश इक्वल्स टू एच बाई म्यू, और शिफ्ट हो जाता एच माइनस एच डैश यानी कि एच कॉमन ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन म्यू। तो जस्ट ये याद रखने के तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चंस में हम इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकें, जिससे हमारा टाइम सेव हो सके,
क्या क्या बातें तुम याद रखोगे? एक बार फिर से मैं तुमसे कहूँ, चार बातें ध्यान रखें, या यूं कहें कि सबसे पहले दो बातें ध्यान रखें, हमारा वाला केस और मछली वाला केस। हमारे वाले केस में कोई रियल ऑब्जेक्ट होता है तो हमें क्लोजर होके नज़र आता है, तो हम एच से क्या कर देंगे, एच बाई म्यू। मछली वाले केस में जब वो हवा में रखी किसी चीज़ को देखती है तो उससे दूर होकर दिखाई देती है तो बढ़ जाती है डिस्टेंस, बढ़ाने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू एच। मगर रियल की जगह वर्चुअल हो तो ये रिजल्ट उल्टे कर दें, यानी कि जब हम देखेंगे किसी डेंसर मीडियम में, रेयर से डेंसर में देखेंगे, मगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो घटेगी नहीं डिस्टेंस बल्कि बढ़ जाएगी, बढ़ाने के लिए म्यू एच करोगे। और मछली वाले केस में जब वो डेंसर से रेयर में देखेगी मगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखेगी तो डिस्टेंस बढ़ने की जगह घट जाएगी, और घटाने के लिए क्या करोगे, म्यू से डिवाइड करोगे, तो एच बाई म्यू। तो इन सारी बातों को याद रखें।